मैंने सोचा चलो भाई वीडियो एक दो दिन डाल दी बेबे की, और जो भी भाई संपत्ति थी भाई दिखाई, और दुख होता आप समझ सको है कि औरत नहीं औरत का दुख समझ सके हैं। फिर पर फिर भी पीछे ना हट रहे लोग, तो उन्हें जवाब देना जरूरी था क्यों या जैसे सर्च करे हैं तो एक वीडियो आओ है कि पत्नी का भी निधन हो गया उसकी। मतलब चंद व्यूज के लिए लोग देखो कितना गिर रहे हैं कि उसकी पत्नी का भी निधन हो गया। कम से कम दो छोटी बच्ची हैं उनके बारे में तो सोचो, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, ऐसे थंबनेल टाइटल मत लगाओ, ये नहीं है कि भाई अपने वीडियो में, लेकिन कम से कम थंबनेल टाइटल तो मत डालो ऐसे कि राजू की पत्नी का भी निधन हो गया, अब पत्नी का भी निधन हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। कम से कम उन मासूम बच्चियों के बारे में तो सोचो कि उनके ऊपर माँ का साया भी उठाओगे क्या? दो पिता को साया तो उठ चुका, अब माँ का साया भी उठाओगे? शर्म तो थोड़ी बहुत भी नहीं बची लोगों को, क्या करें ना, कितनी इंसानियत खत्म होती जा रही है। वीडियो हमने भी बनाई है पर हमने किसी का यूं नहीं कहा कि भाई हाँ टाइटल अच्छा डालो, अच्छा थंबनेल लगाओ, व्यू जाओ तो ठीक है ना, तो भाई वो है इसका मतलब ये थोड़ी बीज लेने खातर हम उसके पत्नी ना बीमार देंगे। अब बच्चिया का पिता है, बाप से वाही है सब कुछ, बूढ़े माँ बाप की लाठी है, बेटा है, बहू है, वाही है सब कुछ। कम से कम व्यूज के लिए इतना तो मत गिरो के उसने बीमार नागरितम। किसी को बद्दुआ तो मत दो, कमेंट भी इतने आ रहे हैं औरता के भी, जो लेडीज हैं वो क्या कर, लेडीज लेडीज का दुख समझे है, लेकिन यहाँ तो कमेंट भी यहाँ लाग रहे हैं कि एक पत्ती का पहले खा गई अब एक और खा गई, उसकी क्या गलती है बेचारी की, भगवान ने जो कर दिया उसके दिल पर, अपने दिल पर एक बार हाथ रख के देखो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। जिस पत्नी के ऊपर दो दप सुहाग जड़ गया होगा एक बार उससे पूछ के देखो कितना बुरा उसके लिए, तो सब कुछ जिंदगी यू ही सफर, एक लता नहीं होता जिंदगी का, बहुत लंबी जिंदगी वह है, एक लाइन इंसान नहीं काट सकता। सब रिश्ते सब बेशक हो, लेकिन सबसे एक जो रिश्ता वह है वो पति पत्नी का वह है, उसके बिना चाहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये बद्दुआ तो मत दो बेचारी को, उसमें इसकी क्या गलती है। भगवान ने इतना ही दिन कहा वो थे भाई, और यू कह हैं ले भाई हिम्मत बनाओ बेबे की, हिम्मत बनो ताकि वो अपना आगे काम कर सके, हिम्मत रख सके। तो ऐसे किसी को बद्दुआ मत दो, किसी का अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो किसी का बुरा भी मत बोला करो। ठीक है, चंद व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए आप लोग ऐसा करते हो, चंद सिर्फ थंबनेल वो डाल दिया वो डाल दिया, क्यों भाई? दो मासूम है उनका क्या कसूर है? माँ भी छिन्न हो गए क्या, अब उसको भी बद्दुआ देने लग गए क्या, ये भी वो हो जावे? यही कहा भगवान उसका जिंदगी लगाओ, उसका बच्चा का जिंदगी लगाओ है, और आगे उसने हिम्मत दे वो अपना सब कुछ संभाले, क्योंकि ये तो हमसे दो तीन दिन वीडियो बना देंगे सिंपल वो दिखा देंगे, लेकिन आगे की जिंदगी तो उसी को तय करनी है ना, तो उसके लिए अच्छा बोलो कि हाँ भाई आगे अच्छा बेबे हिम्मत दे भगवान उसका जिंदगी लगाओ, उसके बेटिया का जिंदगी लगावे और उसने और हिम्मत दे ताकि वह संभले इस दुख से, बाहर निकले इस दुख की घड़ी से। सो चले चलो कोई नहीं, हो गया भाई दो दिन वीडियो डाल दी, अब वही अपना कंटेंट डालेंगे, लेकिन फिर लोग आके जब वीडियो सर्च मार रहे हैं तो लोग आके इतने थंबनेल इतनी वीडियो में है ना कि ऐसे ऐसे वो है ये है, किसी का अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी मत बोल रहा करो, भगवान ने जवान अच्छा बोलने खातर दे रखी है, अगर वो आपके साथ कुछ आके कर रही है तो भी भाई अलग बात है, वह तो कुछ कह ही नहीं रही, अपने जाने भी बोलना। हद होती है। अब चुप नहीं बैठूंगी मैं, ठीक है, मैंने सोचा चलो मूव ऑन कर लेते हैं वीडियो, भाई डाल दी दो दिन बहन दुखी हो लिया हमारा भी मन, लेकिन अब फिर सोचा अब चुप नहीं।
तो प्लीज़ भाई सब इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाओ बहन के बारे में, हिम्मत दो उसको ताकि वीडियो देख के वो भी हिम्मत मिले उसने, भगवान आगे उसकी बेटिया का जिंदगी लगावे, उसका जिंदगी लगावे और वह हिम्मत बनाए रखे भगवान उसकी। और राजीव बेबे, राजीव जी कहीं नहीं गए हैं, आपके दिल में है, आपके पास ही है, यही तसल्ली थी इसके। हम तो भगवान भी पता नहीं भाई अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है, बेचारे के ऊपर दुखो का इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, बहुत वो कहते हैं भगवान को नहीं भी।